मस्का साथ रेलवे पुलिया पर शनिवार की रात हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने नाबालिग सहित 5 को हिरासत में लिया है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि पेशाब करने को लेकर यह विवाद हुआ। मृतक सुभाष विश्वकर्मा मिलाई का रहने वाला है। मजदूरी करने वह नागपुर आया था और यशोधरा नगर के एट पट्टा परिसर में रहता था। पकड़े गए आरोपियों में अंसार नगर मोमिनपुरा निवासी शहबाज अंसारी, वकील अंसारी, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद रफीक, गांजा के चौक निवासी मोहम्मद आकिब, मोहम्मद सलीम, टीम के 3 खंबा चौक निवासी संजोग लीलाधर होले और एक नाबालिग का समावेश है। लकड़गंज पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सुभाष शनिवार रात 8 बजे के दौरान अपने दोस्त तुषार देवघर के साथ दुपहिया वाहन पर जा रहा था। मस्का साथ पुलिया पर उसने गाड़ी रोकी और पुलिया के नीचे पेशाब करने गया। यहां आरोपी जुआ खेलने के लिए जमा हुए थे। आरोपियों ने उसे पेशाब करते देख गाली गलौज की। सुभाष ने भी उन्हें गालियां दी। आरोपी युवकों ने सुभाष के साथ मारपीट शुरू कर दी। वह भागता हुआ पुलिया के ऊपर तुषार के पास आया। यहां हमलावर युवकों ने धारदार हथियार से सुभाष की छाती पर वार कर मौत की घाट उतार दिया। तुषार ने बीच बचाव किया तो उसके भी हाथ और कमर पर चाकू से वार कर दिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही लकड़गंज पुलिस मौके पर पहुंची। 24 घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपियों का पता लगा लिया। 5 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। सुभाष का कोई सगा संबंधी नहीं होने के कारण पुलिस ही शासकीय तरीके से उसका अंतिम संस्कार करेगी। DCP राहुल माकनीकर और SCP राजेंद्र परदेशी के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर नरेंद्र हेवरे, API पाटिल, PSI सुनील राउत डोंगरे कावरी, ASI रवि राठौड़, हेड कांस्टेबल प्रकाश श्रीराम, श्याम अंगुथलवार, दीपक कारोकार, भोजराज पांती, कांस्टेबल राम यादव, वासुदेव जयपुरकर, भूषण झाड़े, शिवराज पाटिल, पवन भटकर, अभिषेक शनिवारे, मंगेश लोही, यशवंत डोंगरे, प्रदीप सोनटक्के, फिरोज खान, शंभू सिंह ठाकुर और सूरज सिंह ठाकुर ने कार्यवाही को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरा कड़े के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।